हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीनमाल सब जेल परिसर के साइड वाले गेट पर शुक्रवार शनिवार की मध्य रात्रि को करीब 1:30 बजे अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग का मामला सामने आया है। क्रॉस फायरिंग में बदमाश को गोली लगने की बात सामने आई है। घटना स्थल पर बदमाश का खून पड़ा है। झड़प में संतरी के मामूली चोट आई है। बताया जाता है कि उक्त बदमाश किसी साथी को छुड़ाने के मकसद से आए होंगे, जिन्होंने मुख्य पर खड़ी विद्युत विभाग के डीपी से लाइट काट कर अंदर घुसने की कोशिश की। संतरे की सजगता व उनके द्वारा करारा देने की वजह से बदमाश कोशिशों में नाकाम हुए और मौका स्थल से भाग गए। गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन अंधेरे की वजह से चेहरा साफ नहीं आ रहा है। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह, उपकरण अधिकारी ओम प्रकाश चौधरी, पुलिस उप अधीक्षक शंकर लाल व थाना अधिकारी दूली चंद गुर्जर ने घटना स्थल पर पहुँच कर बारीकी से मौका मुआयना किया। जोधपुर से जेल डीआईजीबी भीनमाल के लिए रवाना होने की खबर है। बताया जाता है कि भीनमाल सब जेल में आला दर्ज की शातिर बदमाश व हिस्ट्री शीटर बंद है। जेल से गैंगवार व मोबाइल सहित अन्य सुख सुविधा भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। जेल में बदमाश कैदियों द्वारा नए कैदियों को परेशान करना, कपड़े धुलवाना, पैर दबवाना एक सामान्य बात बन गई है। हैरत तो ये है कि आला दर्ज के कैदियों द्वारा नए कैदियों के परिजनों से जेल से मोबाइल पर बात कर पैसे भी उनके कहे अनुसार बैंक खातों और रिश्तेदारों व परिचितों दिलवाते हैं। जो बाद में जानकारी में आया कि लाइट इसी पास में जो डीपी है उससे काटी गई थी, और संतरी को इशारा किया कि आप इधर आइए, लाइट हम जोड़ने वाले बिजली विभाग के कर्मचारी है, और वो आया तो उसका हाथ, उसने टॉर्च, फोन की टॉर्च से लाइट करी तो उसको हाथ पकड़ लिया, और दूसरे हाथ से बता रहा है कि जो पिस्टल मेरे लगाई उसको नीचे झुक गया, पिस्टल का फायर नीचे से लग गया। उसने जो हथियार राइफल थी लोडेड थी, उसने ट्रिगर दबाया, मुलजिम के किसी के कहीं अंग पर लगी है, हाथ वाथ पर लगी है, जो खून जेल के गेट के पास पड़ा भी है, और फिर वो भागे। इतना मिली SHO भीनमाल मौके पर पहुँचे, CO भीनमाल पहुँचे, तलाश कराई, नाकाबंदी कराई, तलाश और नाकाबंदी जारी है पूरी। अभी जेल की SDM साहब और हम सारे जेल की सारी सर्चिंग करी है और इसमें कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। जागरूक टीवी के लिए भीनमाल से खास रिपोर्ट।